Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ दसवां अध्याय श्लोक संख्या 31 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु पवन पवतामश्री राम सत्यभृतामह झषाणामकरस्तास्मी श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहं अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षरकालो गाताहं विश्वतो मुख मृत्युः सर्वहरस्ताः मोद्भवश्च भविष्यताम्
कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधाधृते क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं फलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुसुना कवि दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मजिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यनां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् अथवा बहुलेतुन किं ज्ञाते न च वार्जुन वेष्टव्याहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुलेतुन किं ज्ञाते न च वार्जुन वेष्टव्याहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तस्मत् श्रीमद्भगवद्गीतास्तु श्रीकृष्णार्जुनसंवादेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं Hare Sharanam.
राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2053 10 फरवरी 1997 को हैदराबाद में महेश नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम दोषारोपण करे और न दूसरे में दोषारोपण करे, कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। एक बात, तीन बात बताई थी पहले, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा मानूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी की बुराई करूंगा नहीं। तीन बात, तीनों मूल में एक बात है कि वास्तव में कोई बुरा है नहीं, बुरा है नहीं, ना अपने बुरा है ना कोई बुरा है। ये जो अच्छा मंदा ये आगंतुक है, वास्तव में बुरा कोई नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है, स्वीकार कर ले। किसी को बुरा मानना है तो उसी को छोड़ देंगे, गलती नहीं है, गलती नहीं हमारी। कोई बुरा है नहीं, वास्तव में बुरा कोई ही नहीं। जो बुरा होता है वो बुरा ही रहता है, तो बुरा रहता है वही बुरा होता है, बुरा होता है वो बुरा ही रहता है। तो आपसे मैं बात पूछूं, अभी आप जितने बैठे हैं उसमें कोई आप में बुराई है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, बैर है, हिंसा है, हत्या है, कोई बुरी नीयत है क्या? अभी किसी में कोई बुराई हो तो बोले, तो इस बात पर विश्वास करे कि हम आप हम सभी कोई बुरा नहीं है, न मैं बुरा हूँ न दूसरे बुरे हैं, कोई दोषी नहीं है। दोषी वही होता है जो निरंतर दोष रखता है, निरंतर दोषी रहता है, निरंतर दोषी कोई रहता ही नहीं, क्योंकि दोषी है नहीं। खास बात इतनी सी बात है, गहरी रीति से समझो कोई दोषी नहीं है, क्योंकि गहरी रीति से वासुदेव सर्वम है। दोषी कैसे है? ये निर्णय है, ये अभ्यास नहीं है, ये करना नहीं है, ये निर्णय है। एक निश्चित बात है, कोई दोषी नहीं, इतनी सी बात है। अब इस निर्दोषता को
सुरक्षित रखे, इस दुर्दशा को मिटने न दे। आप में कोई दोष दिखे तो बुराई है, वो पहले का दोष है, कोई बुराई पहले की है, कोई चोरी कर दी, कोई व्यापार में गड़बड़ी कर दी, लूट कपट कर दिया, किसी ठगाई कर दी, तो ये पहले हुआ कोई, अब नहीं है। बुराई निरंतर रह सकती ही नहीं, कहीं वो भूल हुई है तो अब नहीं है। पहली वाली तो पहले वाली बुराई से अपने को बुरा मत समझो, पहली हुई बुराई से आप कृपानाथ अपने को बुरा ना समझो, वो हो गई तो चली गई। वास्तव में कोई बुरा हो सकता नहीं, क्योंकि सिद्धांत ऐसा है कि वास्तव में बुराई है नहीं, बुराई जड़ नहीं है। बुराई जड़ होती है, बुनियादी है, नींव होती है, ऐसे बुराई की बुनियाद नहीं है। बुराई सदैव आगंतुक होती है, तो आगंतुक गफलत से आई, अब हम सावधान हो गए, बुरे नहीं है, बुराई आएगी नहीं, तो इसको सुरक्षित रखो। शुक्र सुरक्षित रखने में क्या उपाय है कि किसी को बुरा न समझे, ये उपाय है। कोई बुराई करे तो उसे समझो ये बुराई आई हुई है, ये बुरा है नहीं। अभी बुराई कर दी तो आगंतुक बुराई आई है, बुरा है नहीं। बुरी स्थापना मत करो, न अपने में दूसरे में, तो बुराई अच्छी चीज नहीं है। बुराई बुरी बुराई बुराई है तो बुराई को कायम क्यों करें? ना अपने में करे ना दूसरे में करे। आगंत हुए हवा आ गए, बुरा है नहीं, एक इतनी बात है। इसमें करने में कोई जोर भी नहीं आता, इसमें किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है, गुरु की, महात्माओं की, भगवान की, भगवान की कृपा वो तो सदा है ही, मगर इसमें कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं, कोई उद्योग की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कभी कोई खर्चा नहीं, पैसे का भी और मियाद हो जाएंगे। इतनी बात है, पारमार्थिक बात बहुत शुभ है, बड़ी श्रेष्ठ है, सरल है। कोई भी हमें बुरी नहीं, मैं भी बुरा नहीं, मेरी बुराई हुई पहले होगी कोई, अब नहीं हो। तो भूतकाल बुराई से अपने को बुरा न समझे, गई बुराई को दूसरे को भी बुरा न समझे। किसी ने बुराई की तो पहले की, अब बुराई नहीं है, इतनी ही बात है। ये तो बड़ी भारी शक्ति है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। गीता में कहा है कि वासुदेव सर्वती सर्वात्मा दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो भाव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। गीता में और किसी ज्ञानी को, योगी को, भक्त को किसी दुर्लभ नहीं बताया है, इसको दुर्लभ बताया है कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा माम प्रपद्यते, इससे दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ महात्मा बन जाएगी। अगर इस बात को पक्का अपने विचार कर लो, वो दुर्लभ महात्मा बन जाएगा। कर्म बदले साधु ज्यादा नहीं, कहीं आ रहा नहीं, बाबा जी बनना नहीं, कर्म बदले जहाँ है वो नहीं। अब बुरा ना तो बुरा ही करेंगे और ना बुरा किसी को मानेंगे, बस अपनों को बुरा नहीं करेंगे, बुराई करेंगे नहीं, बुराई अपने को बुरा मानेंगे नहीं, और वो बुरा मानेंगे नहीं,
बड़ी शुभम है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। क्योंकि मूल में बुराई नहीं है। देखो बुराई की हुई होती है, भलाई स्वतः होती है। जैसे कहा है कि शैत्यं यथा प्रकृतिर जलस्य, जल का संग होना स्वभाव है। गर्मा तो गर्मी से गर्म होता है, स्वतः ठंडा है। ऐसे स्वाभाविक जंगल साफ स्वच्छ है, हम वहाँ रहते हैं तो गंदगी कर देते हैं। गंदगी ठहरती नहीं, गंदगी है नहीं, बुराई चीज है नहीं, बुराई चीज स्वतः है, स्वाभाविक है। बुराई करनी पड़ती है, बुराई है नहीं, बुराई होती नहीं है। आप बोलो बुराई क्या होती है? हम गलती से बुराई कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, है थोड़ी अरे वो टिकेगा नहीं, कर देते भूल वो कुछ टिकेगी, कोई टिकेगी नहीं। दार्शनिक सिद्धांत मूल में परमात्मा है, ये दार्शनिक सिद्धांत है, मूल मूल परमात्मा है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति तस्कंद भूमो विराखा, जैसे मूल में जल डालने से उसका जो तना है, पेड़ है, वो भी हरा हो जाएगा, और बड़े बड़े डाला है भी हरा हो जाएगा, और छोटी डाली वो भी, और छोटी छोटी बारीक टहनियां भी, और छोटे छोटे पत्ते भी, और पत्ते फूल पर सब के सब हरे हो जाते हैं। एक मूल हरे होने से ऐसे सब संसार के मूल परमात्मा है। यथा तरोर मूल निरीशन तृप्यन्ति तस्कंद शाखा, दूसरा दिशा यथा प्राणोपहाराच, अपने अन्न और जल देने से सब शरीर में ताजगी आ जाती है, पुष्टि हो जाती है, केवल अन्न और जल न देने से। जैसे मूल में वृक्ष में खाद और जल देने से सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे इसमें अंदर से बन जाता है। ऐसे एक परमात्मा के सर्वस्व को याद करने से सर्व संसार पवित्र हो जाता है। तो भगवान को तो याद करे, और न मैं न दूसरा कोई बुरा है नहीं, किसी बुरा याद जाए तो बुरा होता नहीं। जैसे अपना प्रिय भाई है, प्रिय मित्र है, प्रिय पुत्र है, ऐसा है, उसकी कोई कारण से बीमारी हो जाए तो बीमारी आने से क्या वो बुरा हो गया? प्रेम जैसी बीमारी आ जाए, छूत की बीमारी आ जाए, छूने से बीमारी दूसरे को पहुंच गया, ऐसी बीमारी आ गई तो क्या बुरा हो गया? बीमारी है बुरी, उसे परहेज रखो, क्या उसको त्याग दो, उसकी सेवा न करें? ऐसे किसी में बुरा ही तो सेवा करो, बड़ी सेवा है कि बुरा है नहीं, ये भीतर से मान लो, ये बहुत बड़ी सेवा है। भीतर से नहीं, आगंतुक बीमारी, आगंतुक बीमारी थोड़ी है, ये सेवा है। किसी को बुरा न मानना, ना अपने को ना दूसरे को, सेवा हो जाएगी। किसी को भी आप बुरा समझोगे तो क्या होगा कि उसके भीतर भी बात पैदा होगी कि मैं बोल तू बुरे नहीं हो क्या, ये पैदा होगी। तू तू कर तो भीतर तू करो, झीकार या झीकार जुड़े क्या कर दो, क्यों थारे दर्द बगड़ू मैं तो हूँ तेरी छड़ी खरीदू, हूँ दूर बुलाऊ। तो भाई अब मान लो संसार है ना, ये भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। तो भावना क्यों बिगड़े भाई? एक सुनी काशी में सज्जन थे,
और दूसरे का देखो तुम भी घर को हमारे क्रोध नहीं आता, तुम करो कोशिश, मेरे क्रोध नहीं आता। तो वो बोला कि बहुत आनंद की बात है आपको क्रोध नहीं आता, पर आप क्रोध के लिए मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू, कौन सा कुछ बिगाड़ करूँ, क्रोध आना तीन बिगाड़ करू मैं, तो मेरे स्वभाव क्यों बिगड़ू मैं, तुम्हें क्रोध नहीं आता अच्छी बात है, तुम्हारी परीक्षा ली कि मैं अपने स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तो अपने क्यों बिगाड़ करना भाई, दोषी नहीं कोई भी क्रोधी नहीं, क्रोधी कामी क्रोधी लोभी अन्यायी झूठ खबर भाई बेईमान, बेईमान होते बेईमानी आ जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, काम आ जाता है, आता है चला जाता है, अरे आता है वो जाने वाला ही है, निश्चित बात है, जन्म है वो मरने वाला ही होता है, जन्म है मरने ऐसा नहीं होता, ऐसा आता है रहता है ऐसा नहीं होता, जाता ही है, उगे सो हाथों में अरे फूले सो कुमार, चिड़िया देवल ढेर पड़े अरे जाया सो मर जाए, उगे वो तो हाथ में गए फूला है वो कुमार गए, मत चुना है जो बड़े गए शायद हजार दस हजार लाख कितने बस लग जाओ, और जन्म है वो मरे गए, जो आई है वो जावेगी, कुछ मन में पैदा हुई है तो वो तो जावेगी, आया है वो तो जाएगा ही, संसार का योग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा को तो मिलना नित्य है, सबसे मिले हुए हैं परमात्मा, सब परमात्मा की तरफ दृष्टि न दे करके नाशवान की दृष्टि डालते, इस बात परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा कभी वियोग नहीं होता कभी, और संयोग का संसार का योग नहीं है, संसार का संयोग मिल जाता रहते ही नहीं, काबिलपना आपका था आज है क्या, कुछ है ही नहीं सकता, संसार की कोई वस्तु साथ रह सकती ही नहीं, रहेगी ही नहीं, रह सकती ही नहीं, साथ में थी नहीं, साथ में है नहीं, साथ में रहेगी नहीं, साथ में रह सकती नहीं, चार बात, संसार की वस्तु पहले साथ में थी नहीं, आप इतने बैठे हो आज 100 वर्ष पहले आपका घर था, आपका कुटुंब था, आपके रुपये थे क्या, 100 वर्षों के बाद क्या रहेंगे, तो पहले थे नहीं पीछे रहेंगे नहीं, और अभी जो साथ में कहते हो वो आपसे व्यू हो रहा है, मैं अभी आकर के बैठा उस समय उम्र थी उतनी उम्र अब है, उतनी उम्र है क्या, अब थोड़े मिनट समझो, अब 30 मिनट आए, 19 मिनट में आया था मैं, 18 मिनट, तो इतनी उम्र घटने की नहीं, ख्याल आया ना आपका, ये बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, आकार की बात है, ईश्वर को खंडन कर नहीं सकता, तो पहले हम थे नहीं आगे रहेंगे नहीं, वर्तमान में भी जा रहे हैं, जितनी उम्र कम हो उतनी कुटुंब से भी वियोग हो गया, स्त्री पुत्र से भी वियोग हो गया, धन से भी वियोग हो गया, सत्संग से भी वियोग हो गया, हमारे से भी वियोग हो गया, मकान से भी वियोग हो गया, हो गया कि नहीं, सही बात है, जितना हो वियोग हो गया, वियोग हो रहा है, तो पहले साथ था नहीं फिर साथ रहेगा नहीं, वर्तमान में भी वियोग हो रहा है, तो संसार में तो वियोग ही सच्चा है, मृत्यु सत्य है, जन्म सच्चा नहीं है, जन्म से पहले मरना शुरू हो गया, माँ के पेट में बूंद बूंद आया तब से मरना शुरू हो गया, मरना ही शुरू हो गया, मरना आप तो विचार को गहरा मृत्यु की तरफ जा रहा है, जिस दिन गर्भाधान हुआ उससे जो 100 वर्ष के बाद मरेगा वो मौत शुरू हो गई, मौत शुरू हो गई, कोई शंका है नहीं, तो सब संसार मर रहा है, हरदम संसार का स्वभाव मरना ही है,
वियोगी है, संसार का वियोगी सच्चा है। और परमात्मा को हम माने न माने, जाने न माने, जाने देखे न देखे, पर हम सब व्यू होता नहीं, तू समझ नहीं रहता है, सब समय व्यू कैसे होगा, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, वो सब जगह है, उसका व्यू कैसे होगा। तो परमात्मा को तो नित्य संबंध है और संसार का नित्य वियोग है, तो बुराई का तो वियोग ही वियोग है, और भलाई तो स्वतः है, तो भलाई प्राप्त हो जाएगी, कितनी मौत की बात, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, तत्व जीव मुक्त हो जाएंगे, बड़ी भारी लाभ की बात है। सावधान रहो, अब बुराई आवे नहीं, अब भलाई को सुरक्षित रखो, कभी आ जाए राम 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 आ गई ना ना आगे, उसको निमंत्रण मत दो, कायम मत करो, बस कितनी सुगम बात है, मनुष्यों को कठिनता है, कोई विद्या चाहिए, कोई पढ़ाई करनी है, कोई खर्चा लगना है, कहीं जाना है, कहीं लाना है, कोई बोझ उठाना है, कोई परिश्रम करना है, केवल मिलन है, बुरा ही नहीं मानेंगे, ना दूसरे को बुरा मानेंगे, ना अपने को बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे, पहले जो होगी बुराई अब नहीं करेंगे, पहले हुई पहले बन गई बुराई, उसको बुराई छोड़ दे, भूल की हुई भूल को दोबारा ना करें, ठीक हो जाएगा, सही आप ही मिल जाएगा, बुराई में खुद में ठहरने की ताकत नहीं है, भलाई में ठहरने की ताकत है, संसार के ठहरने की ताकत नहीं है संसार में, और परमात्मा में मिटने की ताकत नहीं है, मिट सकता है, सर्वसमर्थ है परमात्मा, पर मिटने में असमर्थ है, असमर्थ कैसे नाश हो जाएगा, नाश होते ही नित्य का नाश हो जाएगा, तो संसार तो रहता नहीं, परमात्मा मिटता नहीं, तो बुराई छोड़ जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इतनी बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ और सुगम, इसमें कोई शंका हो बोला, जिस किसी भाई में कोई शंका हो, यहां तक तो कैसे रहेगी, अंत ममता रहेगी कैसे, बुराई है ही नहीं, अंत ममता एक देश ही बना है, वो एक अंत अंत पकड़ोगे तो अहंत पकड़ोगे तो तंता हो जाएगी, मैं हूं तो तू हो जाएगा, ममता हो तो परता हो जाएगी, दोष आ जाएगा, आप इतनी बात हो दोष नहीं बनाए, अंत मंत्र रहना नहीं, चिंता मत करो, दोष स्वीकार मत करो, हम तो बताएंगे महाराज, मूल कटने पर मिल जाएगी, मूल अभाव को तो शाखा, पेड़ काट दिया जाए नीचे से तो काटने पर भी पेड़ के पास में लगी हुई पत्ती हरी रहती है, कई दिन देखा नहीं, कई दिन हरी रहती है, हरी रो कट गई वो हरी बलेंदी को बुराई है नहीं, इस तरह से बुराई है नहीं, भगवान है, और भगवान है आप अरे बुरे नहीं है, बुरा नहीं है कौन, भगवान बुरा नहीं है, भगवान को बुराई है ही नहीं, आप रह जाएगा आप साहब, थोड़ा दिन कोई अंत वंत आ जाएगी, कोई पक्षपात आ जाएगी, अरे ठीक है नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, सब जो ईश्वर है, अरे बुरो नहीं को स्वरूप रहेगा, एक बुराई स्वरूप है कि बुरा मैं हूं, ना दूसरा की बुरा है, नारायण 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 नारायण, बहुत बहुत मजरे ज्ञान रहेगा, तो किसी को बुरा मानेगा ना तो बुराई आ जाएगी, किसी को बुरा माना
बुरा माना ये भलाई थोड़ी है। किसी को बुरा मानोगे ये भलाई है क्या? बुरा माना पड़ेगा ही, ईश्वर बुरा मानना नहीं, कायम नहीं करना। बुराई है भी थी, बुरा है ये नहीं है, उसमें बुरे आगंतुक है थोड़ी है। तो बुराई निरंतर रहेगी, है कि वो निरंतर रहेगी। जो नित्य होती है वो निरंतर रहती है, निरंतर किसी में बुराई होती है? आगंतुक है नहीं, आगंतुक है। हवा आई चली गई निकल गई, भली है वो रहेगा, भला जो परमात्मा रहेगा संसार निकल जाएगा। ये शहर है, इसमें बसे इतने कितने आदमी थे जो सब के सब खाली हो गए। दिखता है सब समय भरा है, भरा दिखता है, उसका भी करना भरा दिखता है, पर भरा रहता ही नहीं। दो दिन नहीं रहता, एक दिन आतंक जाता है। तो जाना तो नित्य है, रहना नित्य नहीं है। इस वास्ते मिटना है, मिट रहा है, जा रहा है, फिर नहीं नारायण।